एयरफोर्स में भी और डीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखता हूं और आप इन्हें सीखिए, अच्छे से सीखिए और जिसे हर तरह के एग्जाम में आप जो है ऐसे क्वेश्चन पाने पर तुरंत कर जाइए। देखिए जरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण एक। दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, समीकरण दो। तीसरा इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, समीकरण तीन। तो एक्स वाई व जेड के मान बताओ। यहां देखिए जरा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन स्वरूप का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप अगर जो है नौसेना का पेपर उठा लो, एयरफोर्स का पेपर उठा लो या एनडीए का पेपर, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर वर्ष जो है मिल जाएंगे जो समीकरण रिलेटेड रहेंगे। और इनको लगाने का एक अलग ट्रिक ही होती है, हर तरीके से इन्हें नहीं लगाया जा सकता। क्यों ट्रिक से लगाना आवश्यक है? क्योंकि ट्रिक से लगाओगे तो जल्दी में आंसर आ जाएगा, और अदरवाइज आप जो है सिस्टम से नहीं लगाओगे, वैसे लगाओगे तो बहुत टाइम खा जाएगा आपका और क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचेगा। क्योंकि बच्चों आप जानते हो एयरफोर्स का पेपर मैथ का मात्र 15 मिनट का होता है, तो 15 मिनट के पेपर में अगर 40 क्वेश्चन दिया है तो आपको करना है तो ट्रिक से ही करना है, जल्दी जल्दी ही करना है। तो याद ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने गुजरे रहेंगे तभी आप कर पाओगे। ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहे तो तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। इसकी ट्रिक है कि इस रूप के कोई सवाल रहे तो पहला काम तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। आप जो है छोटी कक्षाओं में एकेडमिक कक्षाओं में इस तरह प्रश्न नहीं किए होंगे। एक्स वाई जेड बराबर 6, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, जेड एक्स धन वाई धन जेड बराबर 18। जोड़ दीजिए बच्चों सारे क्वेश्चन को। अगर हम सारे क्वेश्चन जोड़ रहे हैं तो एक्स धन वाई धन जेड हमारा कॉमन आ गया सब में। देख लीजिए एक्स धन वाई धन जेड, एक्स धन वाई धन जेड, एक्स धन वाई धन जेड कॉमन आ गया। दूसरे विकेट में एक्स, यहां वाई और यहां जेड बचेगा और इनको जोड़ेंगे 12 6 18 18 36। और गौर से देखिए एक्स धन वाई धन जेड, एक्स धन वाई धन जेड मतलब एक्स धन वाई धन जेड का होल स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले तो एक्स धन वाई धन जेड बराबर 6। ये हमारा चलता हुआ समीकरण 4 बन गया। और बच्चों समीकरण जितने भी बने हैं, जितने समीकरण बने हैं सबको इसी समीकरण 4 से भाग दे दीजिए, मतलब समीकरण 1 को 4 से भाग दे दीजिए, 2 को 4 से भाग दे दीजिए, 3 को 4 से भाग दे दीजिए। देखिए खटाखट उत्तर। तो देखिए समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 4, समीकरण 1 को 4 से भाग दे, समीकरण 1 है एक्स धन वाई धन जेड और नीचे समीकरण 4 आया है एक्स धन वाई धन जेड और यहाँ समीकरण 1 की वैल्यू 6 है, 4 की वैल्यू 6 है, तो ये पूरा एक्स धन वाई धन जेड वाला मैटर कट गया। यहाँ एलएचएस में एक्स बचा, 6 कट कर 1 बचा, तो एक्स बराबर 1 हो गया। ऐसे ही समीकरण 2 को 4 से भाग दे दीजिए, समीकरण 2 को 4 से भाग दे दीजिए तो समीकरण 2 है वाई ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे बच्चों भाग देना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। आप समझ रहे हो कि अगर हम इसको भाग देंगे, यहाँ 12 है और इधर 6 है, 6 × 12 और ये एक्स धन वाई धन जेड कट गया, हम कह सकते हैं वाई का भाव पाल दो। तो एक्स बराबर 1 आ गया, वाई बराबर 2 आ गया और अब समीकरण 3 को 4 से भाग दे दीजिए। देखिए जरा समीकरण 3 डिवाइडेड बाई 4, समीकरण 3 को 4 से भाग दे दे तो यहाँ समीकरण 3 है जेड एक्स धन वाई धन जेड, नीचे एक्स धन वाई धन जेड, बच्चों यहां वैल्यू है 18 और यहां वैल्यू है 6 3 18 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट गया तो जेड बराबर आ गया 3।
और इस तरह से आप सभी को पता लग गई x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जो है ये सारे क्वेश्चन सीखिए जो टेक्निकल है, जो TGT, PGT, SSC, बैंकिंग, BEd या और भी कंपल्सरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो है आप इन वीडियोज को शेयर करिए जिससे दूर तक बच्चे समझ सके, और अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमारा भी जो है मोटिवेशन हो, हमें भी उत्साह मिले आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से हल कराऊं।